हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल क्रोशेट में स्वागत है। आज हम व्हाइट कलर की ऊन से एक क्रोशेट डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने व्हाइट कलर की ऊन लिया है और ये क्रोशिया हुक लिया है मैंने 6 नंबर का। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर की मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनानी आती तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। 2 फिंगर पर ऐसे थ्रेड को लपेटेंगे, क्रोशिया हुक से नीचे वाला ये वाला थ्रेड इसको इस साइड में पास करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में एक चैन और बनाएंगे, टोटल हो गई हमारी होगी 4 चैन। उसके बाद में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे दोबारा से देखिए। एक बार क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे, ये मैजिक रिंग के अंदर से क्रोशिया पास करेंगे, थ्रेड निकालेंगे, पहले 2 थ्रेड निकालेंगे फिर 2 थ्रेड निकालेंगे। उसके बाद में फिर से 1 चैन लेंगे, क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे, चैन के मैजिक रिंग के अंदर से क्रोशिया पास करेंगे, थ्रेड निकालेंगे, 2 थ्रेड निकालेंगे, 2 थ्रेड निकालेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 फाइव डबल क्रोशिया हो गए और बीच में एक एक चैन, तो टोटल हमें 12 बनानी है। 12 में से हमने 5 तो बना लिया और टोटल अब जो 7 डबल क्रोशिया वो भी ऐसे 1 1 चैन लेते हुए बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए हैं। डबल क्रोशिया हमारे पास 11 है लेकिन 12 हमारे पास इसलिए हो गए क्योंकि शुरू में हमने जो 3 की चैन बनाई थी वो हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा और जो एक चैन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी वो बीच का गैप, जो हमने ये बीच बीच में एक चैन बनाई है। उसके बाद में ये जो मैजिक रिंग का ये छोटे वाला थ्रेड है जो एक्स्ट्रा में है, इसे हम ऐसे खींच लेंगे ऐसे और ये मैजिक रिंग बंद कर देंगे। उसके बाद में जो शुरू में हमने 3 की चैन बनाई थी, 1 2 3, इसके 3rd चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे। ये 1 2 3, ये 3rd चैन में क्रोशिया हुक डाला, थ्रेड निकाला और ये 1st वाले थ्रेड को 2nd वाले थ्रेड से ऐसे पास कर देंगे, तो ये हो गया स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद में चैन पर क्रोशिया हुक लेंगे सेम, ये जो यहाँ पे अब हम 2 अनकम्प्लीट ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 अनकम्प्लीट ट्रिपल डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, ये जो चैन है इसके नीचे से क्रोशिया हुक पास करेंगे ऐसे, क्रोशिया हुक पे थ्रेड लिया, ये जो 1 चैन है इसके नीचे से क्रोशिया हुक पास किया, थ्रेड निकाला, पहले 2 थ्रेड है ये हम निकाल देंगे और 1 थ्रेड है इसे क्रोशिया हुक के अंदर ही रखेंगे, यानी कि इसे पूरा कम्प्लीट नहीं निकालेंगे। और फिर से अब दोबारा क्रोशिया हुक पे थ्रेड लेंगे, सेम चैन के अंदर से क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और 2 थ्रेड निकाल देंगे। और अब 3 थ्रेड हो गए हमारे क्रोशिया हुक में, इनको तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। उसके बाद में 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और उसके बाद में नेक्स्ट चैन के ऊपर 3 बार अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इसलिए बनाएंगे क्योंकि शुरू में हमने जो एक चैन बनाई थी 4 की वो हमारा एक सॉरी 3 की जो चैन बनाई थी हमने वो एक हमारा अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया ही था, इसलिए जो चैन बनाएंगे वो हमारा शुरू का जो चैन बनाएंगे वो हमारा एक डबल क्रोशिया ही गिना जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैन पे 3 बार अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर से नेक्स्ट चैन के ऊपर 3 बार अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और फिर से अब 1 2 3 4। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, यानी कि सभी जो 1 1 चैन है इनके ऊपर तीन अनकम्प्लीट ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके टॉप के ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, थ्रेड निकाला स्लिप स्टिच हो गया। अब इसके बाद में हम 2 स्लिप स्टिच और करेंगे इस चैन के ऊपर, ये 1st चैन है इसके ऊपर 1 स्लिप स्टिच और फिर और अब दूसरा स्लिप स्टिच यहाँ चैन के बीच में ऐसे। तो ये स्लिप स्टिच किया तो ये थ्रेड यहाँ इसके ऊपर आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पर एक
स्लिप स्टिच बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चैन के नीचे से क्रोशिया पास किया, थ्रेड निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद में फाइव चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फाइव चैन बनाई। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइव चैन लेने के बाद में हम नेक्स्ट चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में फिर से फाइव चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और सेम चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। उसके बाद में फिर से फाइव चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में फिर से फाइव चैन, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से फाइव चैन, 1 2 3 4 5 और सेम चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे, तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर से हम फाइव चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 नेक्स्ट चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब फाइव चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और सेम चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से फाइव चैन, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से 1 2 3 4 5 और फिर सेम चैन के अंदर, सॉरी नेक्स्ट चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब फाइव चैन लेंगे और सेम चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ तक पहले लास्ट तक बनाते हुए रहते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट तक बना लिया, लास्ट में हमने ये फाइव चैन बनाई, और जो शुरू में हमने जो एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे क्रोशिया उप डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद में हम टू सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्लिप स्टिच और करेंगे। ये पहले इस चैन के ऊपर करेंगे, बीच में क्रोशिया को, चैन के बीच में क्रोशिया को लेके आने के लिए, ये पहला और ये दूसरा स्लिप स्टिच, और ये दो स्लिप स्टिच करने के बाद में ये क्रोशिया को चैन के बीच में आ गया। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चैन के नीचे से क्रोशिया को डाला, थ्रेड निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इस ये जो हमने ये चैन बनाई थी, इसके अंदर अब हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले क्रोशिया पर थ्रेड लिया, ये होल में क्रोशिया को डाला और एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हो गए डबल क्रोशिया। और फाइव डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे फोर चैन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर सेम इसी होल के अंदर फिर से फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ये पाँच डबल क्रोशिया हो गए ऐसे। उसके बाद में हम फाइव, ये जो गैप है इसको कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर से 1 2 3 4 5 फाइव चैन बनाएंगे, नेक्स्ट होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इस नेक्स्ट होल में आ जाएंगे तो इसमें फिर से फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर चैन बनाएंगे और फिर से फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फाइव चैन बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट होल में फाइव डबल क्रोशिया, फोर चैन, फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लिया, और अब हम यहाँ लास्ट में फाइव चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो शुरू में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे और ये फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से मेरी ये 1 2 3 4 चैन, 5 लेंगे और जो ये सिंगल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, अब फर्स्ट वाले थ्रेड को सेकंड वाले थ्रेड से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच करने के बाद में थोड़ा सा थ्रेड रखेंगे एक्स्ट्रा, और बाकी के थ्रेड को कट कर देंगे। उसके बाद में जो ये मैजिक रिंग का थ्रेड है, इसकी भी हम यहाँ बैक साइड में नोट लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे नोट, कोई भी थ्रेड उठाएंगे, इसको नीचे से ऐसे पास करेंगे, इसको ऐसे पास कर देंगे, 1 और ये 2 नोट हो गई। उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे, और जो ये वाला सामने दिखाई दे रहा है थ्रेड, इसको यहाँ ऐसे पास कर लेंगे बैक साइड में, और एक दो थ्रेड के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। और उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ का भी कट कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्रोशेट फ्लोर बनके रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।